गाइस, मैं मनीष सिंधिया एम डांस अकेडमी फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, जो डांस कोर चला हुआ अपना उसको आगे बढ़ाते हैं। जो ए टू जेड सॉन्ग चला हुआ 8 पर्चे उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उसमें हमने लास्ट स्टेप जो हमारा हुआ था उसमें हमारा कौन था, ये वाला। मैंने कमी स्टेप बताई थी थोड़ी स्टेप, क्योंकि मेरे को पता नहीं था आप कितने स्टेप एक्सेप्ट कर सकते। मेरे हिसाब से 4-5 स्टेप ही यहाँ नॉर्मल हम बताते हैं एक दिन में, तो मैं उस स्पीड से चल रहा हूँ। ज्यादा स्पीड से कभी आप पीछे रह जाओ, ठीक है। जो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह एक दबाओ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्टेप हमारा यहाँ हो गया था ए टू जेड पर्चे वाला, ओके। उसके बाद आगे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, लास्ट स्टेप अपना था ये वाला, आगे देखो। उसके बाद हमें क्या करना है, राइट लेग को क्रॉस करके पीछे से रखना है आगे, ठीक है। पीछे से क्रॉस करना है ऐसे, ठीक है। हाथ को ऐसे रखेंगे, पीछे से क्रॉस किया ये वाला, ठीक है। और उंगली को ऐसे ही सारा करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। पांव को पीछे से क्रॉस करना, याद रखना, ऐसे क्रॉस किया वापिस रखना, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो, जैसे ही ये करके हम वापिस यहाँ आएंगे, उसके बाद जो बॉयज गर्ल जो दोनों जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या करना है, गर्ल्स है तो उसको तो ये वाला स्टेप करना है। ये तो दोनों को ही करना है, हाथ का फर्क है बस। ये पांव इसको मारेंगे जैसे मैंने पहले आपको सिखाया है, वन फिर से मारेंगे, टू दो बार मारना है ऐसे, वन टू, दो बार हम मारेंगे, पांव उधर चला जाएगा, ओके, वन टू, ठीक है। अब जो लड़कियां है वो ऐसे भी कर सकती है, दोनों कर सकती है, लड़कियां लड़के भी कर सकते हैं, फिर भी मैं दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ। लड़कियां ऐसे कर सकती है, हाथ यहाँ पे, वन टू, दो बार। देखो ये पांव इसको मारेंगे उठ जाएगा और वापिस रखेगा, फिर से मारेंगे फिर से उठ के रखा जाएगा, दो बार से। बॉयज इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वन टू, जो आपको अच्छा लगे वो ये स्टेप ले सकता है, ठीक है, वन टू, समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अपना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे क्या करना है, वन लेफ्ट पाँव आगे रखा, राइट हैंड, लेफ्ट पाँव आगे रखेंगे, राइट राइट रखेंगे, लेफ्ट, ओके, ऐसे वन टू थ्री फोर, ठीक है, वन टू थ्री फोर। अब दोनों हाथ खुल गए, दोनों पाँव खुल गए, दोनों को मिलाएंगे, फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, सिंपल है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे, ठीक है, ये सिंपल है, ये आपको जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले 4 स्टेप हो गए, आई थिंक इतना काफी है। चलो एक स्टेप और देख लो, ये पूरा अंतराल पूरा हो जाएगा। उसमें हमें क्या करना है, अब आगे ऐसे करके लड़की की तरफ चलना है, वन टू, ठीक है, दो कदम आगे चलना है, वन टू, दो कदम आगे चले। उसके बाद दो कदम आगे चलते ही हमें क्या करना है, ऐसे बॉलों में हाथ मारना है, ठीक है, वही करके। ये देखो, ये लेफ्ट वाला पाँव बाहर निकाला राइट हैंड से, अब ये वापिस आया, अब राइट पाँव बाहर निकाला तो लेफ्ट हैंड से बॉल में हाथ मारना, वन टू, वन टू, वही सिचुएशन, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ऐसे भी सीख सकते हो इसको, वन बस हाथों को रहता है, टू, ठीक है। क्या करना है, वन टू थ्री फोर, उसके बाद पाँव को क्रॉस किया और घूमना है, ठीक है, पाँव क्रॉस किया और घूम जाएंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना, पाँव आगे से क्रॉस किया, राइट आगे से क्रॉस होगा और घूम जाएगी। और उसके बाद चंडीगढ़ का मैप ऐसा होता है, ऐसा मिलता जुलता होता है अपने हाथ के जैसे ऐसे, तो वो ही सारा करना है, राइट पाँव को बाहर निकाल के चंडीगढ़ मैप पे ऐसे कुछ लाइन आएगी, आपको म्यूजिक के साथ करके दिखाऊंगा तो पता चलेगा। पाँव बाहर निकाला, लेफ्ट पाँव गेड उठाई, ऐसे किया और इसकी तरफ ही सारा किया और वापस, ठीक है। अब ये जितने भी स्टेप बताए म्यूजिक पे दो बार लाइन आएगी, दो बार रिपीट करने हैं आपको, ठीक है, सेम स्टेप। मैं एक बार आपको म्यूजिक पे बता देता हूँ, और ये अच्छे से करना है, घर पे प्रैक्टिस करती रहनी है सबको। तो अब बाहर इतना निकलते नहीं है, थोड़ा बहुत काम के लिए जाते हैं, तो घर बैठे आप डांस सीख सकते हो और कोरोना से भी सेफ रह सकते हो, ओके। मेरे पीछे मुड़ के चंडी